प्रिय दर्शकों नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अकल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं, अकल इसे माने या ना माने। ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। नीता, अरे माँ तैयार हो गई बेटा? हाँ माँ। देख, MBA के बाद ये तेरी पहली नौकरी है और सुना है इस कंपनी में तरक्की की भी बहुत गुंजाइश है। हाँ माँ, अभी तो मैं असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर बन के जा रही हूँ, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अरे बेटा, बस 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 बस, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, पर बेटा मैं तेरे डैडी से बहुत परेशान हूँ। देखना, मैंने दही लाने को कहा था और अभी तक नहीं आए। आते होंगे माँ। यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। हाँ तो ये आवाज कहाँ से आ रही थी? पता नहीं, पर हाँ शांता बाई वो किचन में है ना, उसी ने आवाज दी होगी। शांता बाई, दही ले आ जल्दी से। अरे शांता को क्यों बुला रही हो? दही मैं ले आया हूँ। शांता वैसे भी घर जा चुकी है। क्या, घर जा चुकी है? तो वो आवाज किसकी थी फिर? ये सब बेकार की बातें छोड़ो, ये लो दही और इसको जल्दी से खिलाओ। ठीक है, मैं अभी चम्मच लेकर आती हूँ। डैडी, माँ का आशीर्वाद तो मिल गया, अब आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। बेटी जीती रहो। बेटी बेटी, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। वैसे भी तुम हमारे लिए बेटी नहीं, बेटा हो बेटा। हाँ डैडी, यही तो मैं साबित करना चाहती हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे ओ, तुम्हारी माँ दही लेने गई है। ओ डैडी, मुझे बहुत देरी हो चुकी है और वैसे भी मुझे आपका और माँ का आशीर्वाद तो मिल चुका है। मैं जा रही हूँ, बाय डैडी। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। और सुनो, आराम से जाना। नीता नीता, अरे सुनिए, दही चली गई, दही भी खाकर नहीं गई। तुम दोनों बाप बेटी बिल्कुल एक जैसे हो, मेरी एक बात नहीं सुनते। अब हंस रहे हो, याद है वो दिन जब इसका जन्म हुआ था? तुम कितने उदास हो गई थी। हाँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता। गुड मॉर्निंग रीगल एंटरप्राइजेस। नहीं सर, मिस सीटा तो नहीं आई है, वो जैसे ही आएंगी मैं आपका मैसेज दे दूंगी। ओके सर।
is Nita Sharma. Just hold on, please. सर मिस नीता शर्मा आई हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? भेज दो। ओके सर, आप जा सकते हैं। गो स्ट्रेट टर्न राइट, सर का ऑफिस वहीं है। थैंक यू। मे आई कम इन सर? प्लीज कम इन, प्लीज। थैंक यू। सिट डाउन। थैंक यू सर। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मिस शर्मा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये कि आप यहां कितने दिन काम करेंगी? कितने दिन? मैं तो यहां ये सोचकर आई हूं कि मैं आपकी इस कंपनी को अपनी पूरी सेवा दूंगी, पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगी और यहीं अपना करियर बनाऊंगी। गुड। जानती हो मैंने ये सवाल तुमसे क्यों पूछा? वो इसलिए कि आजकल एक ही जगह पर लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं, जहां उन्हें फायदा नजर आया कि नौकरी छोड़ के चले गए। लेकिन तुम ब्रिलियंट हो, तुम्हारी आंखों में मुझे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। मेहनत तो लगन से काम करोगी तो एक दिन उस कुर्सी पे भी बैठ सकती हो। थैंक यू सर, आपकी गाइडेंस मिलती रही तो मैं यहां अपनी जगह जरूर बना लूंगी। तो आओ मैं तुम्हें कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मिलवा देता हूं। यस सर। प्लीज। हाँ, ये तो मैं समझता हूं कि दैट शुड बी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मीट दिस यंग लेडी, मिस नीता शर्मा। आज से ये भी रीगल फैमिली ज्वाइन कर रही है एज ए असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर। मिस्टर लाल सर, ये आपके अंडर काम करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम कुणाल कपूर, एरिया सेल्स मैनेजर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, आई एम सुरेश कार्निक, चीफ अकाउंटेंट। वेलकम टू रीगल फैमिली। थैंक यू। आई एम रवि मुखर्जी, PRO। वेलकम। थैंक यू जी साहब। शिवक्राम, मैडम को इनका कैबिन दिखा दो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आई मैडम। बोलो। आप बॉस से कह के अपना ये केबिन बदलवा लीजिए। क्यों? अरे मैडम, बड़ा पनौती केबिन है ये। आपसे पहले दो आदमी यहाँ थे, बस दो दिन काम करके भाग गए। और उनसे पहले वो मेहरा मैडम थी ना, वो भी इसी केबिन में बैठा करती थी। सीनियर मैनेजर हो गई थी वो, बाद में एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सेवकराम। हाँ तो सेवकराम, तुम अपने काम से काम रखो और ये सब फालतू बातें भूल जाओ, समझे? ठीक है मैडम, ये रहा आपका केबिन। अब तुम जाओ। जी।
मिस नीता शर्मा, यहाँ तो बहुत गड़बड़ है। कोई है जो आपको डराना चाहता है, और ये प्यून सेवक राम उसी का आदमी लगता है। खैर, तुम जो भी हो, याद रखो मेरा नाम भी नीता शर्मा है। क्या है? टिश्यू पेपर है। हाँ, लेकिन मैडम मैं रुकूं या जाऊं? हाँ, जाओ। फाइल शर्मा, यहाँ तो लोग पैर जमाने का मौका भी नहीं देना चाहते अपने दिमाग को काबू में रखना, वरना ये लुका छुपी का खेल। क्या हुआ? अरे वो नीता अभी तक नहीं आई। अरे पहला दिन है, आ जाएगी। लो आ गई। मैं देख के आता हूँ। अरे गौरव तुम? प्यारी बहना मामा जी। जीते रहो बेटा। अरे अचानक वो मामा जी मेरा यहाँ ट्रांसफर हो गया है। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा पहले अंदर आओ। अरे देखो तो भाई कौन आया है। हाँ आओ बेटा आओ, आओ गौरव। अरे अरे लो भाई मिल लो अपने भांजे से। नमस्ते मामी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पर ये क्या बात हुई, ना कोई खत ना खबर, अचानक ऐसे ही? मामी जी बस वो अचानक ट्रांसफर हो गया और जल्दी में आना हो गया। अच्छा अच्छा मामी जी, वो पगली कहाँ है? आती ही होगी, आज उसने नई नौकरी ज्वाइन की है। आती ही होगी, आ गई। ये लो गौरव भैया। नीता कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, आपका भाई? बस अभी अभी मामा मामी ने बताया कि तुमने नौकरी ज्वाइन की। हाँ आज ही ज्वाइन की। वेरी गुड। अच्छा बेटी पहले ये बताओ आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ दादी, अगर मैं आपको आज का एक्सपीरियंस बताऊंगी तो आपको चक्कर आ जाएगा। क्या? हाँ? मतलब
हाँ डैडी, आज जब मैं ऑफिस में गई तो मेरे ऑफिस के प्यून ने मुझे बताया कि मेरा कैबिन हॉन्टेड है और वहाँ किसी भूत प्रेत का साया है। क्या? हाँ माँ। अरे कुछ नहीं मामी, आप ऐसे ही चिंता कर रही हैं। लेकिन गौरव। अरे कुछ नहीं, ये जो ऑफिस के पीएन्स होते हैं ना, इनकी तो आदत है डराने की, बकवास करने की। नीता, तुम तो ये सब बातें नहीं मानती ना? अब नहीं मानती, मगर आप मेरी बात तो सुनिए। मैं जैसे ही अपने कमरे में गई, वहाँ लाइट अपने आप ऑन हो गई। क्या? हाँ माँ, और मेरा कंप्यूटर अपने आप चलने लगा और मुझे बताने लगा हथियारों से सावधान। बस अब कल से तू वहाँ नहीं जाएगी, हमें नहीं करानी ये नौकरी। आप भी कैसी बेकार की बातें करते। अरे इसकी बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इसके ऑफिस में कोई है। हाँ। जो इसे डरा के वहाँ से भगाना चाहता है। और वैसे भी आजकल कंप्यूटर पे क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो, दो चार दिन के अंदर मैं उस डराने वाले को पकड़ लूंगा। तुम दोनों से तो बात करना बिल्कुल बेकार है। चलिए जी, हम यहाँ से चलते हैं, मुझे खाना भी पकाना है। तुम दोनों यहाँ बैठकर बातें करो। देख सिस्टर, मस्ती बहुत होगी, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इस काम में तुझे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना, मेरा इस एरिया में ट्रांसफर हो गया और मैं कल ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूं। ओके? नहीं भैया, लीगल एंटरप्राइजेस एक बहुत बड़ी कंपनी है और मैं नहीं चाहती कि मेरे वहां जाते ही एक पुलिस वाले के कदम पड़े। अच्छा अच्छा ठीक है, चल तेरे कमरे में चल। चल हाँ मिस्टर लाल, आप कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आ जाइए। जी मैं अभी आया। मिस शर्मा, आपकी ये रिपोर्ट देख के मैं बहुत इंप्रेस हूं। 24 घंटे में जो आपने मार्केटिंग सर्वे किया है वो कमाल है। सर, इसमें कंप्यूटर ने मेरी बहुत मदद की और मुझसे पहले जो यहाँ सुप्रिया मेहरा थी उन्होंने मेरे लिए काफी मटेरियल छोड़ दिया था। ओह आई सी। सर आइए मिस्टर लाल। मिस्टर लाल सर, मिस शर्मा ने यह रिपोर्ट तैयार की है, मैं चाहता हूं कि आप इसे देख लें। भाई अभी तो मिस शर्मा में वो सब खूबियां नजर आ रही हैं जो सुप्रिया मेहरा में थी, और हम चाहते हैं कि आप ये रिपोर्ट देख लें। मैं इसे कल देख लूंगा सर, वैसे भी नीता शर्मा को इस ऑफिस में कुछ ही दिन तो हुए हैं। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि आप ये रिपोर्ट देख लें। लीजिए,
ठीक है सर, आप जा सकते हैं। हाँ तो मिस शर्मा, ये रिपोर्ट आपने कब तैयार की? सर कल रात 2-3 घंटे मैंने बैठ कर सब कुछ स्टडी किया। मिस शर्मा, मैं देख रहा हूँ कि तुम लाइफ में बहुत तरक्की करो। थैंक यू वेरी मच सर। आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। कार्निक साहब, आप तो मुझसे ज्यादा सीनियर हैं। क्या मेरे ज्वाइन करने से पहले सिंघानिया साहब ऐसे ही थे? लेकिन मिस्टर लाल, हुआ क्या है? कार्निक साहब, मैं बड़े दिनों से सिंघानिया साहब को देख रहा हूं। औरतों से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं वो। उन्हें लगता है कि औरतें मर्दों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट माई फुट। अरे औरतें जहां भी जाती हैं, समझ लो सारा काम ठप। मेरे स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे, औरतों को चूल्हे चक्की तक ही सीमित रहना चाहिए। हालांकि मैंने शादी एक प्रोफेसर से की, लेकिन शादी के बाद मैंने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उसे लगा दिया अपने किचन में। मैं भी तो यही कह रहा हूं, अगर मेरा बस चले तो मैं औरतों के काम करने पर पाबंदी लगा दूं। मिसलाल, क्या हुआ तुम्हें? ये कॉमेडी अचानक मेरे चेहरे पे कैसे झलक गई? लाल, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। कम ऑन, कम ऑन। कौन है वहां? कौन है आप? आपका कंप्यूटर बिगड़ गया है, मैं इसे ठीक करने आई हूँ। हाँ, लेकिन मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं की। लेकिन मुझे पता चल गया, मैं आ गई। आइए। कंप्यूटर ठीक हो गया है। क्या हुआ कंप्यूटर को? मैडम, इसके थ्रू
आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता है। क्या? हाँ, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, मैंने इसका रास्ता बंद कर दिया है, मैं चलती हूँ। सुनो, तुम यहाँ कब से हो? मैं यहाँ उस दिन आई थी जिस दिन इसी कैबिन में सुप्रिया मेहरा पहली बार आई थी। अच्छा, मुझे ये बताओ, सुप्रिया मेहरा कैसी थी? उसकी बहुत सी बातें होती हैं यहाँ? हाँ, होती है, क्योंकि सुप्रिया मेहरा आप ही की तरह ब्रिलियंट थी। आपका फोन। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, तो मैं पूछ रही थी, दरवाजा तो बंद है और ये कहाँ चली गई? नीता, यहाँ कुछ गड़बड़ है। चुप भैया। नीता, आज मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? अब तुम इसे संयोग कहो, इत्तेफाक कहो या फिर कोइंसिडेंस, आज कमिश्नर साहब ने मुझे केस की फाइल दी। हालांकि मुझसे पहले वाले इंस्पेक्टर इस केस की अच्छी तरह छानबीन कर चुके हैं, पर उन्हें कुछ मिला नहीं। गौरव भैया, आप किस केस की बात कर रहे हैं और उस केस से मेरा क्या लेना देना? तुमसे लेना देना है नीता, और तुमसे लेना देना इसलिए क्योंकि रिगल एंटरप्राइजेस की जिस पोस्ट पर आज तुम काम कर रही हो, वहां तुमसे पहले सुप्रिया मेहरा नाम की एक लड़की काम किया करती थी, और सुप्रिया मेहरा अपने बंगले के स्विमिंग पूल में कुछ अर्से पहले मुर्दा पाई गई है। सुप्रिया मेहरा? हाँ, मेरी ज्वाइन करने से पहले ये तो वहां सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर थी। देखने में ये केस एकदम सीधा साधा लगता है, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन तुमने जो उस दिन वो अपने ऑफिस का वाक्य सुना था ना, वो कंप्यूटर वाला, हथियारों से सावधान, उससे मेरे दिल में एक शक पैदा हो गया। भैया, आज कंप्यूटर ठीक करने एक लड़की आई थी, और आज तो कंप्यूटर कह रहा था कि उसने किसी का मुंह जला दिया। क्या? उस लड़की ने मुझे बताया कि कंप्यूटर के थ्रू कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है। मुझे उसकी बेतुकी बातें कुछ समझ में नहीं आई, फिर भी मैं उससे कुछ पूछना चाहती थी, मगर वो पता नहीं कमरे से कब और कहां कैसे गायब हो गई। क्या? नीता, कल मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूं, मुझे कुछ पूछताछ करनी है, क्योंकि सुप्रिया मेहरा एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। देखो, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता हूं, ये देखो। सुप्रिया मेहरा? हाँ, क्या हुआ? भैया, ये तो वही लड़की है जो कंप्यूटर ठीक करने आई थी। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाँ भैया, इस फोटो में और उस लड़की में बस एक ही फर्क है, इसकी हेयर स्टाइल अलग है, उसके बाल घुंघराले थे और उसके चेहरे पर आंखों के सामने आते थे। नीता, फिर वो ये नहीं कोई और लड़की होगी, क्योंकि इस फोटो को ध्यान से देखो, इसमें सुप्रिया मेहरा जोड़े में है, और इसके बालों को देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि इसके बाल कभी घुंघरा ले। भैया, ये जो कुछ भी हो रहा है ये नेचुरल नहीं अननेचुरल है, और मैं किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती, और अब मैं ये जानकर ही रहूंगी कि आखिर ये सुप्रिया मेहरा वाला मामला है क्या। देखिए मिस्टर सक्सेना, आई वांट रिजल्ट्स, ओके? और जो टारगेट मैंने आपको दिया है वो इस महीने तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस सर।
सर, इंस्पेक्टर गौरव तिवारी आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, भेज दो। ओके सर। सर यू मे गो। थैंक यू। यू मे गो नाउ। May I come in, Mr. Singhania? आइए इंस्पेक्टर, आइए। प्लीज कम। थैंक यू सर। मेरा नाम गौरव तिवारी है। नाइस टू मीट यू। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सर, मुझे सुप्रिया मेरा केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। बैठिए। थैंक यू। मिस्टर सिंघानिया, ये बताइए कि मैं सुप्रिया मेरा यही काम करती थी? मिस मेहरा रीगल इंटरप्राइजेज की सीनियर मैनेजर थी और मुझे बहुत अफसोस है कि उसकी अनटाइमली डेथ ने हमसे एक ब्रिलियंट लड़की छीनी। वो तो एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया थी स्टेट की। मिस्टर सिंघानिया, वो बंगला जहां जहां मिस मेहरा रहती थी, जहां से उनकी लाश मिली है, वो बंगला इस कंपनी ने ही उसे अलॉट किया था। उसके परिवार वाले यहां रहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो सब पंजाब में थे। और मिस मेहरा एक कैरियर ओरिएंटेड गर्ल थी, इसलिए वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करती थी। मिस्टर सिंघानिया, मिस सुप्रिया बंगले में अकेली क्यों रहती थी? इंस्पेक्टर, कभी कभी इंसान अपने कैरियर को देखने में अपनी जिंदगी को देखना बंद कर देता है, और सुप्रिया उनमें से एक थी। उसकी शादी की उम्र लगभग निकल चुकी थी और फिर वो ऐसा पति चाहती थी जो औरत की इज्जत करता हो। अच्छा, मिस्टर सिंघानिया, उनका कोई राइवल तो होगा, आई मीन कोई कॉम्पिटिटर जिसने उनकी पोस्ट पाने के लिए? नहीं 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 इंस्पेक्टर, इस कंपनी में उसका कोई राइवल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे स्टाफ पे मैं खुद नजर रखता हूँ और जिसे जिस लायक समझता हूँ उसे ही वो पोस्ट देता हूँ। अच्छा मिस्टर सिंघानिया, आपको कभी ये लगा कि मिस सुप्रिया मेहरा की मौत एक हादसा नहीं है? इंस्पेक्टर, कभी कभी तैरने वाले भी डूब जाते हैं। आपसे पहले भी जो ऑफिसर्स आए वो कुछ खास नहीं कर पाए, मैंने उन्हें काफी समझाया। हाँ, कंप्यूटर में कभी कभी टक टक की आवाज आती। क्या हुआ मिस्टर सिंघानी? टेक्निकल प्रॉब्लम थी। पत्ता कब तक छुपेगा? ठीक है मिस्टर सिंघानिया, मैं चलता। आपको तकलीफ? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कभी भी जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला सकते। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। सुनिए, तुम तो अब अरे गौरव भैया, आप हाँ वो नीता, वो नीता, नीता वो लड़की, वो क्या हुआ गौरव भैया? मैंने अभी इसी दरवाजे से एक लड़की को अंदर आते हुए देखा, वो घुंघराले बाल वाली लड़की। हो गया गौरव भैया, आप पर भी असर हो गया।
हो गया सर, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह तुम सोच रही। कमान गौरव भैया, जस्ट रिलैक्स, आप बैठिए, यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है, मैं आपके लिए मंगाती हूँ। टू कॉफीज इन माय कैबिन प्लीज, थैंक यू। क्या बात है भैया? नीता, वो लड़की जो तुम्हारे कंप्यूटर ठीक करने आई थी, उस पर नजर रखो, क्योंकि अगर वो लड़की हमें मिल जाए ना, तो एक बहुत बड़े रास्ते पर्दा उठ सकता है। ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगी उस लड़की की सच्चाई जानने की। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस ऑफिस में उसके बारे में किसी से जिक्र मत करना, क्योंकि यहां कौन किसके साथ मिला है कुछ कह नहीं सकता। ओके भैया, डोंट वरी, लो कॉफी आ गई। हमारे सेवक राम जी बहुत अच्छी कॉफी बनाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। नीता, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। भैया, ये तो सेवक राम है। नहीं, ये अब सुनो, तुम जाओ। जी, लेकिन नीता, मैंने खुद उसे। रिलैक्स भैया, आप कॉफी पीजिए। जो 25 अक्टूबर की रात अपने स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई। मिस नीता शर्मा, इंस्पेक्टर तिवारी। आप मेरा नाम कैसे जानती? इंस्पेक्टर, जब शरीर आत्मा बन जाता है तो उसके लिए कोई राज राज नहीं रहता। अगर तुम सुप्रिया मेहरा हो तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब तक मुझे किसी जिंदा इंसान का साथ नहीं मिलता, मैं अपने हत्यारों को सजा नहीं दे सकूंगी। आपका हत्यारा कौन है?